लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट पे डिस्ट्रैक्शन है। 99.99% में कहूँगा डिस्ट्रैक्शन है, 1% ऑनली अट्रैक्शन है। मुझे लगता है अगर वो 99% डिस्ट्रैक्शन वो हटा के मुझे लगता है बुक से ज़्यादा बेस्ट रहेगी इंटरनेट से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ ज़रका शफ़ी। जैसा कि आप सबको पता है आज 23 अप्रैल है और आज आलमी बुक और कॉपीराइट डे मनाया जा रहा है। यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम आज के दिन यानी वर्ल्ड बुक डे का मकसद बचपन से ही सब में पढ़ने की आदत पैदा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने काम लिखना और शाया करने की तरकीब देता है। मुझे लगता है कि आजकल जो हम मीडिया पे बुक्स देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम बुक्स पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि किताब ही सबसे अच्छी दोस्त है इंसान के लिए। मैनुस्क्रिप्ट्स भी हैं यहाँ पे, हम इस लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में मैनुस्क्रिप्ट्स की तादाद 5,500 से ज़्यादा हैं और रेयर बुक्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे दोनों तरीके से। नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट, इट शुड बी अवेलेबल इन द ब्लॉक्स। मेरी अभी खासकर NRLM के साथ मैं वाबस्ता हूँ, मेरी पोस्टिंग खाग में है, वहाँ पे दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। बिल्कुल, आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू इंटरवीन हेयर एंड दीज थिंग्स नीड टू बी पॉसिबल इन दोज एरियाज ऑल्सो बिकॉज दे हैव अ राइट टू एजुकेशन। इंटरनेट पे जो बिग डेटा का कंसेप्ट है आता है, बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट पे डिस्ट्रैक्शन है। 99.99% में कहूँगा डिस्ट्रैक्शन है, 1% ऑनली अट्रैक्शन है, क्योंकि इंटरनेट पे आप देखती हैं एवरी थिंग इज अवेलेबल। हो सकता है किसी न किसी चीज़ पे आपकी क्लिक हो जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप खुद से देखो, शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, इंसान अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है उन वीडियो से, लेकिन आपके सामने अगर बुक पड़ी है, यू आर कन्फाइंड टू दैट कंटेंट। दैट इज़ वाई आई कैन से मुझे लगता है बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है देन द इंटरनेट। हाँ, वो भी अच्छा रिसोर्स है, आई कांट डिनाई दैट, बट मुझे लगता है बुक्स, दे कांट कम्पीट विद बुक्स। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स डेली हमें देखने को? उसके लिए यहाँ पे 250 से 300 तक आते हैं यहाँ, मतलब रीडर्स और स्कॉलर्स भी लगभग महीने में 30 या 35 तक आते हैं। और इसी मौके पे आज SPS लाइब्रेरी जो लाल चौक में वाक़ है, उसने भी जो है बुक्स का एग्जीबिशन रख दिया है, जिसमें ना ही सिर्फ हमें डेली सब्जेक्ट्स की जो बुक्स है वो देखने को मिली, बल्कि जितनी भी रेयर बुक्स है जो आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले जो लिखी गई है वो किताबें भी जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिली। जितने भी वहाँ रीडर्स थे उनका ये कहना है कि बुक्स को जो है कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि आप सबको पता है कि आज इंटरनेट का यूज़ किया जाता है पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ करने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि जो बुक्स है उनकी एक अपनी अहमियत है। और वहाँ जो जब हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि जिस तरह SPS लाइब्रेरी बनाई गई है उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसी लाइब्रेरीज हमें बननी चाहिए, ताकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो है ये बुक्स देखें और इनसे पढ़े।